भगवान आत्मा, आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश नित्य हुआ, जन्म या मृत्यु से रही, अवधि हुआ क्षीण होने की संभावना से रही, सिद्ध हुआ आसक्ति तथा विरक्ति के भौतिक कर्मों से एक हुआ अकेला क्षेत्रज्ञ हुआ जानने वाला अतः भौतिक शरीर से पृथक आश्रय हुआ मूल आधार अभिक्रिय शरीर की तरह परिवर्तन नहीं होते स्वरूप आत्म प्रकाशित एक समस्त कारणों के कारण व्यापक चेतना के रूप में सारे शरीर में फैला हुआ असम की शरीर पर आश्रित न रहकर एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए मुक्त अनावृत भौतिक कर्मों के द्वारा अच्छा दिन नहीं एक ही इन सब के द्वारा द्वादश नहीं बारह विद्वान व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है अपितु वस्तुओं के यथारूप से परिचित है आत्मन आत्मा के लक्षण ही लक्षणों से परे दिव्य अहम मैं यह शरीर हूँ मम मेरा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है इति इस प्रकार असत भाव जीवन की मिथ्या धारणा देह आरोप अपनी पहचान भौतिक देह से और फिर अपनी पत्नी संतान परिवार या जाति राष्ट्र इत्यादि से कर मोहमय ज्ञान से त्यजे त्याग देना अनुवाद एवं तात्पर्य श्लोक उपाधि के द्वारा आत्मा परमेश्वर या जीवन का सूचक है ये दोनों ही आध्यात्मिक है जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कर्मों से भी मुक्त है ये दृष्टि है या ब्राह्मण शरीर के ज्ञाता है प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार है ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है ये आत्म प्रकाशित है ये समस्त कारणों के कारण है तथा सर्वव्यापी है इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता अतः ये सदैव उन्मत्त रहते हैं इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए जिसमें वह सोचता है मैं यह भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु में तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं ममेव अंशे जीवलोक जीवभूतः सारे जीव मेरे अंश है अतएव सारे जीव गुणात्मक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान है जो कि समस्त जीवों के नायक अर्थात परम प्रधान है वेदों में कहा गया है नित्य नित्यानाम चैतन्य के समान भगवान प्रधान जीव है अधीन जीवों के नायक है क्योंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश है अतः उनके गुण परमेश्वर के गुण से भिन्न नहीं होते जीवों के गुण भगवान रस से होते हैं जिस प्रकार समुद्र के एक बूंद की रासायनिक संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसे होती है इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं वैसे तो एकत्व तो होता है किंतु ईश्वर महान है जबकि जीव अत्यंत क्षुद्र है अणु अज्ञान महत्व अज्ञान सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से ही छोटे हैं आकार में बालकी लोक के इस हजारवें भाग तुल फिर भी जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है निसंत है जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें
परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से भी भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तित नहीं होते। एक शब्द महत्वपूर्ण है, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, मनस्थान सर्वभूतानि यो चाहं तस्य वस्तुतः, प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा जीव सम्मिलित है, आत्मा के पद पर स्थित है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुष तो भगवान से अद्भुत है, किंतु कोई यह न सोचे कि परम भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया चेतनामय है। जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत हैं, इसी प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत है। इसकी पुष्टि वेदों से ही होती है। जस्मिन् भौम पृथ्वी चान्तरिक्षं विद्यापारम् अधिकेन विज्ञानिनः एकमेव द्वितीयम् आत्मज्योतिः सम्प्राज्ञवान् च स इमान् लोकान् अस्ति च सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् असंहाय पुरुषम् बुद्धस्य पूर्णमालाय भूतमेव अवशिष्यते। ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा लघु आत्मा दोनों दृष्टि है, एक महान है और दूसरा क्षुद्र, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण है। दैहिक रूप से सीमित किंतु वैश्विक दृष्टि से असीम। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुणों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है, किंतु मात्रा में कभी भी उनके तुल्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुणों में ईश्वर के समान पाकर वृद्धावश यह सोचने लगते हैं कि मात्रा में भी उन्हें के तुल्य है। उनकी बुद्धि अविशुद्ध वृद्ध है, अर्थात असंस्कृत या कलवशग्रस्त बुद्धि कहलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारण के कारण को समझने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेव सर्वज्ञ महात्मा सुदुर्लभ हुआ, इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, यह जान लेता है कि ईश्वर महान है, विभु और आत्मा लघु यानी कि अणु है, तो वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वह अंधकार में रहता है। यह अहम मम जनस्य मोह अहम ममे है, यह माया है। उसे अपनी भ्रांत धारणा त्याग कर हरेक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। श्री राधा गुरुदेव, श्री जगन्नाथ गुरुदेव, श्री धर्मी, श्री गौरवताय, श्री प्रभुपाल, श्री गुरु महाराज तथा समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य से विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का परम सुंदर संभव को प्राप्त हो रहा है। तो आइए इस आदर्श श्लोक पर आचार्य ने जो मत स्थापित किया है, इस पर कुछ आलोचना के लिए पुस्तक करेंगे। तो यह जो श्लोक प्रहलाद महाराज के द्वारा असुर बालक के लिए कहा जा रहा है, निश्चित रूप से यहाँ पे आत्मा भी शब्द पहला प्रहलाद महाराज व्यवहार कर रहे हैं कि आत्मा नित्य है। तो देखा जाए तो ये शरीर परिवर्तन से होता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है। सनातन प्रभु क्लास बता रहे थे, तो आत्मा अपने गुण और कर्मों के कर्म के बंधन में नहीं रहता है। यह सच्चिदानंदमय भगवान कृष्ण का ही अनुस्वरूप है और भगवान विभू स्वरूप है, भगवान सागर के समतुल्य है। तो आत्मा इसका सागर का जल कण के समान है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान विशेष करके इस आत्मा संबंधी अनेक श्लोक और युग के उपलक्ष्य में इस संसार को बोले हैं। अजो नित्य शाश्वत पुराण पुरुष न हन्यमान हन्यते न हन्यमान शरीर नैनम चिन्तन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः न केलयन्ति आत्मन शोषयन्ति मानवः। ऐसे अनेक प्रकार श्लोकों के द्वारा भगवान बारम्बार कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है,
चिन्मय और इसकी सामर्थ्य इसकी शक्ति भी अभिन्न रूप से भगवान के अंश होने के कारण उसकी शक्ति भी महान है। तो इसलिए हम अपने वैदिक सभ्यता में देखते हैं जो योगी लोग आत्मा का जागरण कर पाते थे विभिन्न प्रकार के शक्ति उनको प्राप्त होता था। एकादश स्कंद भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं श्री रामानंद ने कि वास्तविक भगवत भक्ति के द्वारा ही समस्त आत्मा का जो पूर्ण शक्ति जागृत किया जा सकता है, और किंतु कर्मों का जो गांठ अनंत काल से शरीर धारियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है मनुष्य शरीर में विशेष करके, तो उसको लेकर के आत्मा परिचायक होता है। इस जड़ शरीर से अगर हम पापमय कर्म करेंगे, अनाचार करेंगे, तो अवश्य ही इस शरीर के अंत के बाद हमको नरक आदि प्राप्त होती है, जिसमें यातना शरीर दिया जाता है। उस शरीर में पंचभौतिक शरीर नहीं रहता है, लेकिन यातना शरीर मन बुद्धि अहंकार उसमें भी रहता है, यानी सूक्ष्म शरीर और विशेष शरीर नरक आदि में जो प्राप्त होती है, जिससे जीव को सिर्फ कष्ट अनुभूति होता है, करोड़ों बार मुक्ति लेने का भी कष्ट अनुभूति होता है, लेकिन मरता नहीं, अनंत कल्पों तक वो कष्ट भुगतता रहता है। वैसे ही जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो आत्मा देव शरीर का परिचायक होता है और देव आदि भूलोक में विभिन्न प्रकार के सुख संबंधी काम करता है और विशेष विशेष प्रकार का भोग प्राप्त होता है। तो लेकिन वो भी शरीर क्षणभंगुर है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब पुनः लौटना पड़ता है किने के मध्य लोग के मनुष्य। लेकिन अगर आत्मा भगवत भक्ति का आचरण करता है, यानी कि शरीर के द्वारा, तो शरीर अगर इस जीवन में हम अगर भगवत भक्ति का आचरण करते हैं तो आत्मा जो शरीर का परिचायक के रूप में चल रहा है, शरीर धीरे धीरे करके विशेष जो शुद्ध भक्ति का भजन करते हैं, इस जन्म में भी वो चिन्मय शरीर प्राप्त कर लेते हैं। इस भूपृष्ठ पर रहने के सत्व भी वो चिन्मय शरीर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेक आचार्यों के जीवन में हम देखे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में ऐसा देखा गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे तो जो सुखिया भाव और परिज्ञा भाव के ऊपर जो आचार्यों के द्वारा जो उस समय में कुछ मतभेद था, और जीवन गोस्वामी की जो गोपाल चंद्र रचना हुआ था उसके ऊपर पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखा, तो उससे एक कलह हुआ था। तो उसने कुछ ग्रुप बट करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हत्या करने के लिए विचार किया कुछ दुर्बंध। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमेशा गिरिराज जी का परिक्रमा लगाते थे। तो ठंडी का समय था, विंटर सीजन था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परिक्रमा लगाने के लिए प्रारंभ कर लिए, बस सूर्य उदय नहीं हुआ था मंगल आरती से पहले ही। तो दो दुर्गत उनको हत्या करने के लिए विचार के स्थान पर छुपे हुए देखे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कुंज में प्रविष्ट हो गए, गोवर्धन के कलहटी पर एक कुंज में प्रविष्ट हो गए, और पुनः वो दुर्गत उस कुंज के पीछे पीछे जाने लगे और देखे कि वहां पे कोई नहीं। पुनः देखे कि आगे एक कुंज के पास एक छोटी सी बालिका फूल चुन रही, फूल चयन कर रही। उस बालिका को पूछे कि तुमने वृद्ध बाबा को देखा है? तो बालिका बोले हाँ, वो आगे गए शायद। तो पुनः आगे गए तो विश्व चक्र ठाकुर दिखे, पुनः फिर से आगे गए तो बालिका दिखे। ऐसे जब बारंबार हुआ तो उनको संदेह है। तो उस बालिका से कुछ समय के बाद पुनः विश्व चक्रवर्ती ठाकुर प्रकट हो गए स्वयं, और तब जाकर के दुर्भुतों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सिद्धता की प्रमाण हुआ। बाद में उनका मनोपरिवर्तन हो गया। कहने का उद्देश्य यह है
जब आत्मा शुद्ध भक्ति का परिचायक होता है तो उस शरीर के शरीर में ही उसको चिन्मय शरीर प्राप्त होता है विशेष करके, और जब भगवत धाम का भगवत धाम को कवर करता है, ऐसे देखा गया है कि हमारा शरीर जैसे पंच भौतिक शरीर है, जड़ शरीर स्थूल शरीर और तथा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का है, वैसे ही इस ब्रह्मांड की विविध परिधियां पंच भौतिक शरीर से निर्मित है, और आगे की जो तीन लेयर है परिधि वो सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि अहंकार के द्वारा निर्मित हुआ है। तो ऐसे ही जब मनुष्य भगवत भक्ति की पूर्णतः आचरण करता है तो जब शरीर उसका छूटता है तो पहले पंच भौतिक शरीर वहां पे रह जाता है कि पाप तेज मन की ओर। उसके बाद अगर सूक्ष्म शरीर भी पूर्णतः सिद्ध भक्ति का परिचायक है तो मन बुद्धि अहंकार का जो लेयर है उसको पार कर सकता है। अगर हमारे मन में भगवान कृष्ण पूर्णतः वैसे नहीं है तो जो मन का जो परिधि है उसको पार नहीं कर सकते। बुद्धि अगर हम कृष्ण केंद्रित नहीं हुआ है तो बुद्धि का परिधि हम पार नहीं कर सकते। अहंकार कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, यह अहंकार अगर हमारा नहीं है तो वो अहंकार का परिधि पार नहीं कर सकते। ऐसे पूर्णतः इस पंचभौतिक शरीर के द्वारा भगवत नाम कीर्तन और भगवान का सेवा भक्ति किया जाए तो भगवत भक्ति के द्वारा वो पंचभौतिक शरीर भी एक प्रकार की पूर्ण मान्यता प्राप्त करता है। इसलिए जब आचार्य लोग अप्रकट होते हैं उनका शरीर जो पंचभौतिक के शरीर क्यों ना हो वहां पर भी समाधि बनाया जा करके उनकी नित्य सेवा पूजा किया जाता है। उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर से भी भगवत भक्ति का आचरण किया है तो अवश्य ही वो सूक्ष्म जो लया है परिधि है ब्रह्मांड की उसको पार करके धीरे धीरे विरजा नदी में प्रविष्ट होता है। तो जब आत्मा यह पंचभूति और सूक्ष्म शरीर को त्याग करके विरजा नदी में प्रवेश करता है धीरे धीरे उसके भाव के अनुसार उसके भक्ति के अनुसार चिन्मय शरीर का निर्माण विरजा नदी में ही प्रारंभ हो जाता है, और विरजा नदी पार होने के बाद वो चिन्मय धाम यानी कि शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। जिसकी जैसी भावना वैसे ही वो वैकुंठ या मथुरा या द्वारका या अयोध्या या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है, ऐसी भगवत विधान है। लेकिन जो आत्मा अगर शारीरिक जो चेतना का ग्रसित जो जड़ व्यक्ति जो है अगर भगवत भक्ति आचरण नहीं करेगा निश्चित रूप से ऐसे ही ब्रह्मांड से ब्रह्मांड में दृढ़मान होता है। तो देखा जाए ऐसे पुण्य पाप भक्ति की विधान के अनुसार मनुष्य को यातना शरीर या देवमय शरीर या चिन्मय शरीर प्राप्त होता है। लेकिन साधारणतः यहाँ जैसे श्लोक में आलोचना किया जा रहा है कि साधारण मैक्सिमम जो मनुष्य है वो अपने आप को शरीर ही मानते हैं, अहम ममे मैं और मेरा, यही चेतना पूर्णतः ग्रसित है सब मनुष्य के द्वारा। तो इस संबंध में आत्मा संबंधी एक गल्प है। ऐसा कहा गया है कि एक राजा थे, उनकी चार पत्नियां थी। तो राजा जो प्रथम पत्नी थी बहुत ही सुंदरी थी, वो जब भी जहां पे भी जाते थे वो अपने प्रथम पत्नी को लेकर के जाते थे। दूसरी पत्नी जो थी उसको भी बहुत प्रेम करते थे और उसकी जितनी भी आवश्यकता सब पूर्ण करते थे। तीसरी पत्नी जो थी बहुत ही बुद्धिमती थी, इसलिए जब भी कुछ जिज्ञासा होता था, कुछ प्रश्न होता था, कुछ संदेह होता था वो अपने बुद्धिमती पत्नी से प्रश्न करते थे। लेकिन जो चौथी पत्नी थी बाह्यतः वो सुंदर नहीं थी, गुणवती नहीं थी, लेकिन राजा का बहुत सेवा करती थी, लेकिन फिर भी राजा उसको प्रेम नहीं करते थे। तो ऐसे राजा युवक अवस्था से प्राप्त करके जो वृद्धावस्था को प्राप्त किए और उनकी मृत्यु हो गया, मृत्यु होने ही वाला था। तो जब वैद्य कह दिए कि आप क्षण घर में ही मरने वाले हैं,
अंदर कुछ अंतिम कामना है तो मैं अपनी सिद्धि के द्वारा वो आपको प्राप्त करा सकता हूँ। तो राजा बोले कि मेरी चार पत्नियां हैं, लेकिन जो तीन पत्नियां हैं मैं सबसे उनको ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं जब मृत्युवरण करूंगा तो कम से कम एक पत्नी को लेकर के जाऊंगा, ऐसा उनका विचार। तो जो सिद्ध वैद्य थे विचार के ठीक है हम ये व्यवस्था कर लेंगे, आप पहले पत्नी को बुलाइए। तो पहले पत्नी को बुलाएगा, बहुत ही सुंदरी थी। तो राजा बोले कि मैं मृत्युवरण करने वाला हूँ, तो जीवन भर तो मैं तुमको प्यार किया, प्रेम किया और अब जाने वाला हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो पत्नी बोली नहीं बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँगी, आप जो आप बनने वाले, मेरा तो अभी भी योग, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो नकारात्मक भाव करके मना कर दी। तो द्वितीय पत्नी जो थी, जितनी उनकी आवश्यकता थी सब पूर्ण करते थे, इतना प्रेम करते थे, तो दूसरे पत्नी को बुलाए तो वो भी ऐसे ही मना कर। उसके बाद तीसरे पत्नी को बुलाए राजा कि जब भी कुछ आलोचना होता था मैं तुम्हारे साथ करता था तो अब तुम मेरे साथ चलो, तो तीसरे पत्नी भी मना कर। जब कोई भी उपाय नहीं बचा, प्राण प्यारे तीन पत्नियां मना कर दिए, तो बाध्य होकर के राजा सोचे कि अभी चौथा पत्नी को मैं बुलाऊंगा। तो बाध्य होकर के चौथा पत्नी को बुलाए। तो चौथा पत्नी यद्यपि सुंदर नहीं थी और सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती थी, लेकिन तुरंत ही बोले कि हाँ मैं पतिव्रता हूँ और मैं आपके सहित अवश्य ही जन्म में भी आपके साथ थी और मृत्यु में भी आपके साथ जाऊंगी, ऐसा करके वो चौथा पत्नी ही राजा के सहित गई। यह जो एक काल्पनिक यज्ञ भी है, लेकिन एक प्रकारात्मक से ये जो राजा है जड़ शरीर मनुष्य के जैसा है शरीर। प्रथम पत्नी जो है वो बहुत ही सुंदरी थी और जब भी जाते थे उसको लेकर के जाते थे, तो वैसे ही साधारण जड़ मनुष्य के लिए अपना गर्व दम्भ अहंकार ही पहली पत्नी है। किसी को भी छोड़ दे लेकिन मनुष्य जहां पे भी जाता है अपना दर्प गंध जो अहंकार है इसको छोड़ता नहीं, हमेशा जाता है। झूठा जो अहंकार शरीर का अहंकार ज्ञान का अहंकार, लेकिन वो मृत्यु के समय अपने से जाता नहीं। दूसरी जो पत्नी है उसकी समस्त आवश्यकता पूर्ण करते थे राजा, वैसे ही हम हमारे जो जड़ शरीर की समस्त आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। गर्मी हुआ आइसक्रीम बढ़ जाए, ठंडी हुआ जैकेट ओढ़ लें, सभी प्रकार की व्यवस्था है, भूख लग रहा है तो खा जाए, घूमने की इच्छा तो घूम ले दुनिया भर की, ऐसी विविध प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं हम पूर्ण करते रहते हैं, लेकिन ये भी हमारे साथ यह शरीर जाएगा नहीं। और तीसरी जो पत्नी है आत्मपरिचय है हमारे, जो हमारे संबंधी जो हम उनको अपना मानते हैं। तो तीसरा पत्नी बहुत ही ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, वैसे हम हमारे संबंधी को, हमारे मित्रों को, हमारे पिता माता को अपना मानते हैं और उनके सहित हमारा समस्त प्यार करते हैं। ऐसा होता है कई घर को फ्लाइट में जाते, कई घर ट्रेन में जाते हैं, तो अपने पिता माता को लेते हैं, दूसरे वक्त को लेते हैं क्योंकि ये मेरे पिता माता है इसलिए मैं उनको ले रहा हूँ, ये मेरे पिता बताए इसलिए मैं उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, लेकिन मृत्यु के बाद ये लोग भी साथ जाएंगे। और चतुर्थ जो पत्नी है वास्तविक क्या है, आत्मा। और आत्मा निश्चित रूप से जन्म में भी हमारे साथ थी और मृत्यु के बाद भी हमारा परिचय है, तथा परमात्मा बंध है। परमात्मा हमेशा हमारे सहायक है और समस्त जीवों के जड़ चेतन सभी जीवों के परम दयालु बंधन। लेकिन साधारण मनुष्य जड़ चेतना में ग्रसित होकर के अहम ममे के विचार करके उसका जीवन संपूर्ण चला जाता है। और जड़ शरीर की पोषक क्या है, आहार निद्रा भय और मैत्री, ये चार पोषक है जड़ शरीर के। और इसको कर करके बार बार करता है और अपना दम्भ का प्रदर्शन करता है जैसे कि मैं इतना आहार करता हूँ, मैं इतना लग्जरियस माने
निद्रा करता हूँ, इतना भोग विलास में रहता हूँ। भाई के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत प्रकार के प्रयास करता है और विभिन्न प्रकार के भोग करने की चेष्टा करता है, लेकिन ये जानता नहीं कि यह जो शरीर की जो साधारण यह जो प्रभुति है आहार निद्रा भय मैथुन की, यह निश्चित रूप से हमको दुर्गति प्रदान करता है। भक्त लोग भी इसका पालन करते हैं, इसका इसलिए जानते हैं आहार निद्रा भय मैथुन में, लेकिन उनका चेतना अलग होता है। आहार जो होता है वो भगवान का प्रसाद पाते हैं, निद्रा इसलिए जाते हैं कि कल सुबह जल्दी सोएंगे तो अगला क्यों उठेंगे। भय अपने लिए भय नहीं करते, भगवान की सुरक्षा करते हैं, मंदिर के लिए सुरक्षा करते हैं, मंदिर का साधन प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं, इसलिए भय नहीं होते कि भगवान का धन चोरी ना हो जाए, मंदिर में कुछ चोरी ना हो जाए, तो भगवान की आमदनी हो, भगवान का धन प्राप्त हो, जिसके द्वारा उच्चों भक्तों का लाभ पोषण सब किया जा सके, इसलिए वो भय नहीं करते। और भोग की जो प्रवृत्ति जो होता है कृष्ण संतान प्राप्त करने के, तो साधारण शरीर की जो जड़ शरीर जो चेतना जो ग्रसित है शारीरिक है। साधारणतः देखा जाए जो आचार्य लोग होते हैं विशेष करके इसका इतना एक शारीरिक तथाकथित आवश्यकता है आहार निद्रा भय मैथुन की, उसको इतनी संयम से और सुविचार से इसका पालन करते हैं कि इसका चिंता से परे है जो उनकी चेतना। साधारण हम भय करते हैं कि कैसे 50,000 लक्ष्मी आए, लेकिन आचार्य लोग चिंतन करते हैं कि 50 पैसा भी ना जाए, उनकी चेतना ऐसे। एक बार क्या हुआ था ना, श्री गौरवानंद स्वामी जो इष्टम भुवनेश्वर में थे 94 की बात है, तो 94 की नित्यानंद कंशी पे दीक्षा महोत्सव होता हो रहा था, तो उस समय उनके जो सेवक थे उनका नाम था नवकिशोर। तो क्या हुआ था, दीक्षा उत्सव जो हुआ, दीक्षा हो गया और महाराज जी को जितने शिष्य दीक्षित हुए सब दक्षिणा में, और दक्षिणा तो महाराज डायरेक्ट लेते नहीं थे, तो पास में जो सेवक खड़ा था वो लेता था और महाराज उसको स्वीकृति प्रदान करते थे। तो एक भक्त उस समय की बात है, लगभग जो दक्षिण जो दीक्षा के द्वारा दक्षिणा प्राप्त हुआ था उसको दिया उस सेवक को, तो कुछ गिर गया, कुछ पॉइंट्स हैं तो गिर गया और नोट भी कुछ हवा से उनके नीचे गिर गया, तो तुरंत ही जितने नोट्स थे और तथा आस पास जितना कॉइन्स था वो उठा गया सेवक, लेकिन देखा गया पास में ही गोविंदा रेस्टोरेंट उसका नाम ही था, तो एक 50 पैसा तो सेवक के हाथ से गिर करके वो धीरे से जा करके नाली में गिर गया। और ये जितना भी 50 पैसा को छोड़ करके जितना भी था वो सब उठा लिया और रख लिया। उसके बाद अगला जो दीक्षा किया करके दीक्षा कर तो ले लिया, तो महाराज सबको देख रहे थे, तो महाराज बोले कि अरे 50 पैसा का पड़ गला। महाराज बोले कि 50 पैसा कहाँ गया, सबकी निगरानी कर रहे थे कितना आ रहा है। तो बोले कि गुरुदेव 50 पैसा है वो नाले में गिर गया, छोड़ दीजिए। तो बोले मूर्ख 50 पैसा का महत्व भी तुमको पता नहीं, ये कृष्ण का धन है, लक्ष्मी स्वरूपणी है। तो इतना गुस्सा किए तो उसको बोलिए प्रेसिडेंट को बुलाया, इसको तुरंत ही मेरे सेवक से निकालो, उसको ये अयोग्य है, लक्ष्मी की महत्व तो जानता नहीं जो बहुत सेवा में आया। कहने का उद्देश्य क्या है, आचार्य की जो चेतना कितनी उन्नत है, तो वो भयभीत होते हैं कि भगवान का लक्ष्मी एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, हम भयभीत होते कि आए लेकिन वो जाए, भयभीत है कि ना जाए, तो ऐसी उन्नत चेतना वो पूर्णतः शारीरिक चेतना से भी परे है और आचार्य की यह आचरण। लेकिन साधारण मनुष्य जड़ चेतना से ग्रसित होकर के इस नश्वर शरीर का भोग करने के लिए बारंबार विचार करता है और इसी नश्वर शरीर के झूठा अभिमान से ग्रसित होकर के अपना महत्वता अपना प्रतिष्ठा प्रदर्शन करता है। एक बार गुरु महाराज कथा में कह रहे थे कि
एक लाइट पेपर आया इसको, तो लाइट पेपर था तो अध्यक्ष जी ने उनको बोला, बोले गए तो बोला कि इनके प्रसाद की व्यवस्था कर लीजिए। तो समस्त महाराष्ट्र का प्रसाद जो था उनको दिए, मंदिर घुमाए कुछ डोनेशन के लिए। उसके बाद प्रसाद पाने के बाद वो बोले कि ये प्रसाद की लक्ष्मी होनी चाहिए। तो बोले नहीं नहीं प्रसाद की कोई लक्ष्मी आवश्यकता नहीं है, आपको लाइफ नंबर है आपके लिए निश्चित ही निःशुल्क है। तो बोले नहीं नहीं मैं कहाँ पर भी फ्री में पाता नहीं है, मैं फ्री में कुछ भी खाता नहीं, तो आप रखिए। तो गुरु महाराज बोले कि अच्छा आप फ्री में कुछ भी लेते नहीं, तो फ्री में जो इतनी सनरेज जो है सूर्य की किरण ले रहे हैं अभी दिन में कुछ भी आलोक की आवश्यकता नहीं है, उसकी पेमेंट करते हैं। वायु जो लेते हैं इसकी पेमेंट करते हैं। वो चुप हो गया। तो उद्देश्य कहने का उद्देश्य है साधारण जड़ शरीर के द्वारा कुछ जो अर्थ की प्राप्त होती है तथाकथित नश्वर बुद्धि ज्ञान अभिमान से, उसके ऊपर भी चढ़ करके भी अहंकार, भगवान की कृपा शक्ति का ज्ञान नहीं। एक व्यक्ति तो बोल रहे थे कथा में कि दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ, बोले कि एक धनी था और एक दूसरा मीडियम क्लास व्यक्ति था। तो जब झगड़ा हुआ बाद में बोला कि तेरे पास कितना पैसा है, तो तेरे पास कितना पैसा है, अरे मेरा मेडिसिन का जितना खर्चा होगा तेरा खाने के लिए कितना खर्चा नहीं, मेरा महीने में मेडिसिन का जितना खर्चा होता है तेरा खाने के लिए भी इतना यूज नहीं होता। तो मनुष्य रोग ग्रस्त है, मेडिसिन का खर्चा उठा रहा है बहुत लाखों, उस पे भी अहंकार कि मैं इतना मेडिसिन खाता हूं। तो ऐसी जड़ चेतना है शारीरिक शरीर के द्वारा जो दुर्गुण है रोग है उसका भी प्रदर्शन हम करते हैं कि मैं इतना इसके लिए व्यय करता हूं। ऐसी जो 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 चेतना है वो शारीरिक चेतना इतनी आसान से जाता नहीं है। जब तक भगवत भक्ति का पूर्णतः आचरण न किया जाए तब तक यह शारीरिक चेतना जाता नहीं। महापुरुष कहे कि मैं ना ब्रह्मचारी हूं ना गृहस्थ हूं ना सन्यासी हूं, मेरा परिचय क्या है, गोपी भक्त पदम वाले दासानुदास। ये जो वास्तविक महापुरुष की शिक्षा है उसको जीवन में अंगीकार करना तथा अपने आचरण में लाना बहुत वर्षों के बाद भी संभव पर नहीं हो पाता। बहुत देखा गया कि इतना आसान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब हम आत्मा है तथा परमात्मा का ही एक क्षुद्र अंश है ऐसा विचार करेंगे तथा इस संबंध में जड़ शरीर के द्वारा भगवत भक्ति का आचरण करेंगे, भगवान नाम कीर्तन करेंगे, तब जा करके धीरे धीरे यह जो शारीरिक चेतना धीरे धीरे जाएगा। ये जो अहम ममे की जो चेतना है वो इतना आसान से जाता है। कभी कभार भक्त होने के बाद इसको दूर करना भी बहुत ही कठिन होता है। तो मुझे आपको पता है आपके बारे में ऐसा बोलता है, हाँ मेरे ऐसे बोलते देख लूंगा ऐसे बोलते हैं, विचार आता है, नहीं बोलते तब भी विचार आता है, भावना घृणित हो जाती है। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि वास्तविक भगवत भक्ति कब होती है, भक्ति का शुरू कब होता है, जब कोई आपकी निंदा करता है तो वो आनंद से हम नाचने लगते हैं, अरे मेरी निंदा कर रहा है कितनी सौभाग्य की बात है, मुझको शोधन करने के लिए मुझको परिवर्तन करने के लिए विचार कर रहा है, वो सबसे बड़ा देसी है मेरा। तब जानेंगे कि मैं शरीर में ही हूं, मैं अभी आत्मा हूं, ऐसा जब विचार आएगा। प्रसाद विष्णु जी को होता है, देखते हैं कोई को अजान पहचान के देखते दो चम्मच अलग से डाल देते, ये मेरा संबंधी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले मेरे रिलेटिव से वाइफ से जुड़ गए तो दो चम्मच डाल दो स्पेशल रेसिपी बन गए। लेकिन ये जो मान अभिमान अपना पराया जो विचार है समस्त अगर चिंता को अब चेतन करके देखेंगे ये शारीरिक चेतना से ही ग्रसित है। निश्चित रूप से महापुरुष तथा गुरु परंपरा की अपार कृपा करुणा होगी तथा अपनी भी प्रयास होगी, तब जाकर के भगवत भक्ति का पूर्णतः अगर आचरण किया जाए तब तक हम नहीं
नहीं कर पाएंगे तब तक जा नहीं पाएंगे। और जब तक यह शरीर की चेतना, उन्होंने युद्ध फेस्टिवल बोला था 2006 गए थे वहां पर बताए कुछ, तो अंतिम में बोले बोले कि वास्तविक भक्ति का परिचय क्या है। 7 मिनट का लेक्चर था, तो उसने बोले कि भक्ति का वास्तविक तत्व तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि मैं शरीर में हूं, मैं आत्मा, और बार बार जब ऐसी चेतना जब आएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, महापुरुष जो कहे योगी भक्त पदक कमल दासान दासान दास है, ये चेतना कब आएगी? जब कोई जड़ शब्द हम श्रवण करेंगे ऐसा लगेगा कि हमारे कान में कोई खोलता हुआ अग्नि डाल दिया, तब जानना कि मैं शरीर में ही आ गया। जब कोई जड़ दृश्य, भौतिक दृश्य, भोग प्रभुत्व दृश्य दर्शन करे ऐसा लगेगा कि हमारे आंख में कोई थोड़ा मार दिया, अग्नि डाल दिया, मार रहा है कोई छुरी से हमारे आंख में, तब जानेंगे हम शरीर में हम आत्मा हैं। ऐसी चेतना आएगी, चिंताधारा जब स्थिति आएगी तब जानेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा नहीं है। जब कृष्ण विषय कथा, कृष्ण विषय के दृश्य, भगवत विग्रह, भगवत के भक्तों का दर्शन होकर के आनंदित होंगे, पुनः पुनः भगवान की कथा श्रवण करके रोमांच हमारा शरीर में आएगा, तब जानेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। यद्यपि यह कष्ट साध्य है लेकिन फिर भी असंभव नहीं। निश्चित रूप से भागवतम का, गीता का तथा सकल शास्त्र का यही प्रामाणिक उक्ति है कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का परम कर्तव्य परमात्मा का साधन है, तथा भजन यही हमारे अंतिम गंतव्य है। तो जब तक यह करेंगे नहीं तब तक ऐसे घूमते ही रहेंगे। इसलिए विचार विमर्श करके इस विषय में बारम्बार चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, निधि ध्यास यानी कि आचरण में भी लाना चाहिए। निश्चित रूप से भगवत कृपा के द्वारा, गुरु गौरांग कृपा द्वारा एक दिन आएगा हम जानेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अगर ज्ञान के द्वारा तो पता चल गया, लेकिन अनुभूति के योग्य बोध हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा की दिशा विषय के बात यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, और ये जो शास्त्रों में चिन्मय है, भगवत भक्ति का परिचय, अंश का परिचय है, और जब तक यह अहम होने के ज्ञान पूर्णतः चला जाएगा, निश्चित रूप से हम भगवान के नित्य स्वरूप में जो दर्शन करके उनका चरणारविंद प्राप्त करेंगे, अनित्य भाव का सुख प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण ग्रंथराज भागवत की प्रश्न।